आजकल ज़माना बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और बदल भी रहा है, और कोई भी किसी से किसी भी तरह से कम नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब वो ज़माना चला गया जब भोले भाले और कम चालाक लोग अच्छे हुआ करते थे, क्योंकि आजकल लोगों को सिर्फ अपना काम निकलवाने से मतलब है और किसी चीज़ से नहीं। ऐसे में अगर आपका दिमाग कम चलता है तो आप बहुत सारी चीज़ों में फेल हो सकते हैं, और इसका दुख भी आपको बहुत होता होगा, क्योंकि कौन चाहेगा कि वो दूसरों से किसी भी चीज़ में पीछे रह जाए। तो आज के इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि आपका दिमाग तेज़ी से चलने लगे और आप भी चालाक बन जाए। सो गाइस, जस्ट डोंट वरी, आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू जल्द से जल्द चालाक बनने के सभी तरीके बताऊंगी, जिन्हें जानकर आप समझ पाएंगे कि चालाक बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा और किस तरह से आप कुछ ही दिनों में बहुत ही चालाक इंसान बन सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चालाक इंसान कौन होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ज़्यादा चालाक होने का मतलब है ज़्यादा बुद्धि का होना, तो उसे इंटेलिजेंट कहा जाता है। चालाक का मतलब है जिस इंसान का दिमाग तेज चले और जो चीज़ों को जल्दी और समय से समझे और अपना काम निकलवाने में समझदारी दिखाए। अब ये कैसे किया जाए इसके बारे में भी जान लेते हैं। उसके लिए आगे वीडियो में मैंने 6 पॉइंट्स बताए हैं, तो चलिए बात करते हैं उन पॉइंट्स की। पहला पॉइंट है, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना आपके लिए अच्छा नहीं है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि ज़्यादा अच्छा बनने से सिर्फ हमारा ही नुकसान होता है। आपको सारे समझौते करने पड़ते हैं क्योंकि आप अच्छे हैं, और कई बार लोग आपको भूल से जाते हैं, लेकिन जब काम पड़ता है तो आप ही याद आते हैं। तो जो लोग भोले भाले होते हैं और जिनका दिल कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है, चालाक लोग उनका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। तो खुद को स्मार्ट और चालाक बनाने के लिए आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस रखना होगा। दुनिया को, लोगों को, उनके बिहेवियर को देखकर उनके साथ बिहेव करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी मासूमियत और भोलेपन को लोग आपकी कमज़ोरी समझ लेते हैं, और इससे सिर्फ आपको ही परेशानी होगी, क्योंकि अच्छे लोग हमेशा दूसरों को दुख ना पहुँचे ये सोचते हैं, लेकिन सामने वाला कभी आपके लिए इस तरह से नहीं सोचता है, वो केवल अपना फ़ायदा देखते हैं। इसलिए अच्छे बनिए, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। कौन आपके साथ वाकई अच्छा कर रहा है और कौन आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा है, इस बात को केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। पॉइंट नंबर 2, दूसरों की गलतियों से सीखिए। एक कहावत है कि हमें हमेशा दूसरों की गलतियों से सही सबक ले लेना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं होती कि हम हर एक गलती करके सबक ले सकें। मतलब आप गलती करके अपना नुकसान क्यों करें, जबकि आप दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं। आँखें और दिमाग खुले रखिए और अपनी सोच को थोड़ा स्मार्ट बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे आपके किसी फ्रेंड्स के साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है कि उसे कोई सामान बहुत सस्ते दाम पर मिल रहा था, तो उसने पहले ही सारे पैसे पे कर दिए बिना सामान हाथ में आए, लेकिन अब सामान देने वाला गायब है। तो आप इससे ये सबक ले सकते हैं कि ऑनलाइन अननोन लोगों से कोई भी सामान खरीदते समय आपको सामने वाले को अच्छे से पता कर लेना चाहिए, ना कि आप भी वो गलती करके सीखेंगे। अब कहने का मतलब है कि ध्यान दीजिए आपके आसपास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और किस तरह के लोगों से आप मिल रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, लोगों को ऑब्जर्व कीजिए। लोगों की हर एक एक्टिविटी पर ध्यान रखिए, क्योंकि दूसरों की एक्टिविटी आपको उनके बारे में और अपने बारे में बहुत कुछ बताती है। अपने साथ के हर एक इंसान पर ध्यान रखिए, आपकी किन बातों और कामों से दूसरे खुश होते हैं और कौन सी बातें और काम उन्हें अच्छी नहीं लगते, इस बात का भी ध्यान रखिए। जैसे कि अगर आपका कोई फ्रेंड आपको ऐसे काम को करने से रोके या आपके उस काम को करने से वो बिल्कुल भी खुश ना हो जो काम आपको फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे सकता है, तो ऐसे इंसान से दूरी बना लीजिए, क्योंकि उस काम में उसका कोई फायदा नहीं है और वो आपको भी आगे बढ़ते हुए देखकर खुश नहीं है। और लोगों पर उस टाइम भी ध्यान रखने की कोशिश कीजिए जब आप उनसे बात कर रहे हों, उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश कीजिए। जो बातें वो आपसे कर रहे हैं, क्या वो सच बोल रहे हैं,
क्योंकि एक चालाक इंसान अपने आसपास के लोगों के साथ दूसरी चीजों पर भी ध्यान बनाए रखता है। पॉइंट नंबर 4, खुद को अंडर एस्टिमेट कभी मत कीजिए। भोले भाले लोग कभी कभी खुद को बहुत कम आंकते हैं और इस वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी कम हो जाता है, और अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो रहेगा तो दूसरे भी आपको अंडर एस्टिमेट ही करेंगे। इसलिए खुद को किसी से कम समझने की आदत अगर आप में भी है तो इस आदत को तुरंत छोड़ दीजिए। और गाइज, एक बात हमेशा याद रखिए कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी कैपेबिलिटी है, ये आप तभी जान पाएंगे जब आप खुद को अच्छे से समझेंगे। खुद को कभी किसी से कम नहीं समझेंगे। आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, और आप खुद को प्रूफ भी कर सकते हैं, और उसके लिए पहले आपको अपनी कमियों को दूर करना होगा, अपना कॉन्फिडेंस हाई और खुद पर पूरा भरोसा रखना होगा। दूसरों के सामने से मौका मत दीजिए कि वो आपकी कमियों के बारे में जाने और बाद में आपको परेशान करें, और आप ये बात जितनी जल्दी समझ जाएं उतना ही अच्छा है। तो अपने अंदर की असली ताकत को पहचानिए और आप क्या कर सकते हैं अब ये दुनिया को भी दिखाइए। पॉइंट नंबर 5, इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। आई थिंक ये इनोसेंट लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनका ज़्यादा इमोशनल होना और अपने इमोशंस पर कंट्रोल ना होना, क्योंकि ऐसे लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। ये लोग कई बार उन्हें इमोशनल फूल बनाकर उनका फायदा उठाते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता। जैसे लोग उनके सामने थोड़ा उदास या परेशान हो जाएं, तो वो बेझिझक उनकी हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं बिना सच्चाई को जाने, और इमोशंस में आकर लिए गए डिसीजन अक्सर ही गलत हो जाते हैं, क्योंकि तब इंसान दिमाग से नहीं दिल से सोचता है। और जो लोग इनोसेंट होते हैं उनका दिल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा दयालु होता है, लेकिन कई बार उसका नतीजा अच्छा नहीं होता और ये बात उन्हें बहुत बुरी लगती है। सो इमोशनल होने में कोई बुराई नहीं है, आखिर हम इंसान हैं और इमोशंस ही हमें यूनिक बनाते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ नुकसान पहुँचाती है, फिर चाहे वो सीधा साधा बनना हो या फिर ज़्यादा इमोशनल होना। पॉइंट नंबर 6, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए। एक स्मार्ट और चालाक इंसान अपना कोई भी डिसीजन हड़बड़ी में नहीं लेता, वो कोई भी डिसीजन अच्छे से सोच समझ कर और सारे एस्पेक्ट्स के बारे में सोच कर ही लेता है। तो अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं तो पहले अपने मन में उस डिसीजन से जुड़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच लें, तभी कंक्लूजन पर पहुँचें। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है जब हम किसी चीज़ में बहुत जल्दबाजी करते हैं तो इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते, और फिर हम सोचते हैं कि काश थोड़ा और बेटर सोच लिया होता। तो आप चीज़ों में जल्दबाजी करना छोड़ दें। डिसीजन सोच समझ कर लेने से गलतियाँ भी कम होती हैं, इसलिए इसे सीखिए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको बहुत ये मुश्किल लगे, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आप इसे सीख जाएंगे। सो गाइस, ये कुछ पॉइंट्स हैं खुद को स्मार्ट और चालाक बनाने के लिए। गाइस, अच्छा होना, भोला भाला होना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुद को यूज होने देना और अपने लिए ना बोलना, इस तरह की अच्छाई सिर्फ आपका ही नुकसान करवाती है। तो चतुर और चालाक बनने के लिए बस थोड़ा सा खुद की हैबिट्स और सोचने समझने के तरीकों में चेंजेस लाकर हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अगर लाइफ में ग्रो करना है तो आपको चालाक और समझदार बनना ही होगा। सो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप मेरी इन बातों से अग्री करते हैं तो यस टाइप करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।